कि पृथ्वी से भागे आठ पैर और अपने को हाजिर रख देखी। तारा बड़ी पतिव्रता स्त्री है, पति की सेवा में आठ पहर। आठ पैर का मतलब होता है 2400 घंटे, यानी दिन और रात पति की सेवा करती है। महारानी तारा सवेरे सवेरे जाग करके, दिनचर्या का मतलब होता है सवेरे सवेरे जाग करके सबसे पहले पति के दर्शन करती है, उसके बाद में कहीं दूसरा काम करती है। महारानी के गर्भ से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। महाराज हरिचंद के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक ही बात की है कि उनकी पत्नी के गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। एक दिन बैठी बैठी तारा रो रही है, हे परमात्मा तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया, किसी को कुछ दिया तो किसी को कुछ दिया, क्या हमें एक बच्चा की जगह पर लड़की भी नहीं हो सकती थी। रो रही है, सोच रही है परमात्मा तेरी कैसी लीला है, किसी को कुछ दिया तो किसी को कुछ दिया, किसी वृक्ष की तरफ निगाह करो, बड़े सुंदर सुंदर से फूल लगे हैं, दूसरे की तरफ निगाह करो कांटे बना दिए, कैसी लीला है। सुंदर कोयल बोलती है, कैसी बनाने बना की कारीगरी है, कितना मीठा गला है, और रंग कर दिया खाला, और बगुला भी कछु करी नहीं पाता है। पूरे दिन तलुआ में खड़े रात में धरिया गया, सन पूरा सफेद बनाया था, कैसी लीला है।